एमबीपीएससी का सिलेबस होता है फास्ट एंड में, लेकिन राइट रिविजन स्टूडेंट की कंसेप्ट सिंपलीफिकेशन के साथ मैं पवन चौधरी पनापुरा के प्रशिक्षक को आसान डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज कोड योर सिलेबस एप अपने प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ मनी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी, वेलकम टू अन अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमपीपीएससी 2020 2020 का जो एमपीपीएससी का जो सिलेबस है मेंस का, उसके बारे में। तो इस लेक्चर के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा वो पेपर वन के ऊपर रहेगा। इस प्रकार से मैं चार वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा और चारों वीडियोस के अंदर आपका पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री और पेपर फोर, चारों पेपर्स के अंदर जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड जो बुक हो सकती है जिसको आप पढ़ सकते हो उसके बारे में हम डिस्कशन इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको इसके अंदर पता चलेगा कि 2019 और 2020 का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है। तो कितना नया सिलेबस चेंज हुआ है, क्या सच में नया सिलेबस है या पुराने सिलेबस कोई उन्होंने उसको रिवाइव करके दे दिया है। चलिए, सो पेपर वन और उसका पार्ट ए है ना, जो हिस्ट्री वाला पार्ट आप उसको बोल सकते हो कि बेसिकली हिस्ट्री वाले टॉपिक्स उसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। सो क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, इंडियन हिस्ट्री है आपके, उसके बाद आपका इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री है अप टू द 18th सेंचुरी, रिएक्शन ऑफ द इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनी रूल, ठीक है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, इंडियन कल्चरल हेरिटेज और डायनेस्टीज ऑफ द मध्य प्रदेश। ये छह बेसिक जो यूनिट्स हैं, छह बेसिक यूनिट उसके अंदर भी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। सो यूनिट वन की हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो उसके अंदर टॉपिक नंबर वन बोलता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उससे लेके 10th सेंचुरी तक, मतलब कहने का मतलब है एंशियंट हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से डायनेस्टीज वगैरह हुए, एंशियंट हिस्ट्री पूरा। मैं तो बोलूंगा हड़प्पा के पहले आप थोड़ा सा पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर जाओ, नवपाषाण काल वगैरह, प्री हिस्ट्री पीरियड से उसको स्टार्ट करके पूरा आपका 10th सेंचुरी तक आप उसको वहां पे कंप्लीट करो। अब इस टॉपिक के लिए बुक क्या हो सकती है, एक आपको मैं बुक बताता हूं, वो है आपकी एनसीईआरटी, है ना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बता रहा हूं पहले कॉमन, एनसीईआरटी जो है आपका क्लास 6th का एनसीईआरटी हिस्ट्री का, है ना, और उसके साथ में 12th क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री और 12th क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट 1, है ना, क्योंकि पार्ट 1 एंशियंट हिस्ट्री है। तो दोनों को क्लब करके आप यहां पर अभी पढ़ सकते हो। उसके अलावा एडिशनल अगर आपको रीडिंग करना हो तो उसके लिए एक बुक आती है आर एस शर्मा, आर एस शर्मा जो है उसको भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे आपकी ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका ओल्ड एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी है, तो काफी अच्छी बात है। नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस एनसीईआरटी से भी आप काम यहां पे कर सकते हो। उसके अलावा एक और, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है या फिर आप हिंदी बोले हो या इंग्लिश पढ़ सकते हो, तो तमिलनाडु बोर्ड है उसका 11th क्लास का हिस्ट्री आता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, बहुत अच्छी तरीके से पूरा हिस्ट्री दिया गया है। तो टीएन बोर्ड का आपका 11th का जो हिस्ट्री है वो आप एंशिएंट वाला हिस्ट्री उसके अंदर यहां पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज आपको इसको पढ़ने के लिए हो सकते हैं। और उसके अलावा अनअकैडमी पर मेरे जो प्लस कोर्सेज हैं वो तो इसके लिए अभी चल ही रहे हैं, 2019 और 2020 के लिए भी आएगा, तो 19 और 20 का ऑलमोस्ट यहां पे कॉमन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका अगर आप देखोगे सो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द 11th टू द 18th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, कहने का मतलब आप बोलोगे मेडिवल हिस्ट्री, है ना, मध्यकालीन भारत, ठीक है, मुगल रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, इमर्जेंस ऑफ द कंपोजिट कल्चर, कि मुगल प्रशासन, उसका मुगल रूलर्स, आपका जो कंपोजिट कल्चर जो डेवलप हुआ, इंडो इस्लामिक कल्चर आप बोल सकते हो, तो वो पूरा कल्चर कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या इसके अंदर आपकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर हमारी थी 11वीं से 8वीं शताब्दी थी। अब सल्तनत पीरियड आया, सल्तनत पीरियड के बाद मुगल्स आए, उसके बाद उसी दौरान जो है वो आपके अंग्रेज और दूसरे यूरोपियंस आ गए थे, तो वो कैसे पूरा कल्चर है वो हमारा यहाँ पर डेवलप हुआ, उस इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, भारत की इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर अंग्रेजों के रूल का, अंग्रेजों के अधिकार का भी क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ा, तो काफ़ी सारी चीजें हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह वगैरह, कई सारी चीजें आप उसके अंदर कर सकते हो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपका एंशन के साथ में हम जैसे पढ़ते हैं तो इसने 11th से 18th सेंचुरी तक दिया है, ठीक है। वैसे हम 18th तक जाते नहीं है, हम लेटर मुगल के बाद वाला जो पीरियड है वहीं से हम कई बार एंशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ठीक है 18th सेंचुरी तक वो उसको मान रहा है तो इट्स ओके, है ना, गवर्नमेंट यही मानती है 18th सेंचुरी तक ही मानती है। इसके लिए मैं आपको बुक बताता हूँ, बुक है आपकी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का 7th का एनसीईआरटी, है ना, हिस्ट्री का, हिस्ट्री की बात करूंगा यहाँ पर मैं, और उसके साथ में आपका 12th क्लास का पार्ट 2,
है ना, जो मिडिवल हिस्ट्री और काफी सारी इंटरेस्टिंग थीम दी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। उसके अलावा अगर आपको मिडिवल का आपके पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो वो उसको पढ़ सकते हैं, अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो वो पढ़ लें, ये ना पढ़ें, और ये है तो फिर ये पढ़ लें, है ना, और टाइम हो तो ये भी पढ़ लें क्योंकि उसमें काफी सारी अच्छी चीजें अभी यहाँ पे दी है। उसके अलावा तमिलनाडु बोर्ड तो आपका है ही, तमिलनाडु बोर्ड के अंदर भी 11th की जो बुक है, साथ में सेम बुक के अंदर आपका जो पूरी मिडिवल हिस्ट्री भी उसके अंदर अभी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। उसके बाद एक बुक आती है आपको एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए, द बुक इज सतीश चंद्रा, है ना, तो वो सतीश चंद्रा जो बुक है वो सतीश चंद्रा बुक को आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए इफ यू हैव अ टाइम। उसके अलावा मेरे जो कोर्सेज हैं वो तो रहेंगे ही, है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन ये आपके खुद के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तीसरा जो यूनिट है बोलता है रिएक्शंस ऑफ इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था उसको लेकर हमारी रिएक्शन क्या रही, हमारे जो पीजेंट्स थे मतलब हमारे किसान थे, हमारे जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने कैसे यहाँ पे रिवोल्ट किया, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब आपका जो 1857 का रिवोल्ट है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो वो रिवोल्ट कैसे हुआ, उसमें स्पेशली एमपी की भी बात करेंगे, इंडियन रेनेसेंस नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड इट्स लीडर, है ना, पूरा नेशनल मूवमेंट कैसे चला, कौन कौन से उसके अंदर उस नेशनल मूवमेंट के अंदर लीडर्स थे, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आ गया यहां पे, कि इंडिया एज अ रिपब्लिक कैसे काम किया, रिओर्गनाइजेशन ऑफ द स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ द मध्य प्रदेश का गठन, ठीक है। मेजर इवेंट्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आजादी के बाद के भारत की जो मेजर इवेंट्स हैं वो मेजर इवेंट्स अभी यहां पे क्या हुई है, ठीक है। इसके लिए मतलब पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ओके। इसके लिए बुक बताता हूं मैं आपको, एक तो बात करते हैं आप एनसीईआरटी की फिर से, तो एनसीईआरटी के अंदर आपका 8th क्लास का एनसीईआरटी दो पार्ट है उसके, एक्चुअली पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ना है आपको, और उसके साथ में 12th क्लास का इट्स अ पार्ट 3 12th क्लास का पार्ट 3 तो ये रीडिंग आपको करना है। साथ ही तमिलनाडु बोर्ड का जो बुक आता है जिसमें मैंने आपको बताया था 12th क्लास का अभी यहां पर आएगा मॉडर्न के लिए, 12th क्लास का हिस्ट्री है उसके अंदर पूरा गवर्नर जनरल वाइज काफी अच्छे से उसके अंदर समझाया गया है, तो वेरी गुड बुक। उसके अलावा अगर बाकी बात करें तो बिपिन चंद्रा तो आपकी आती है ना, वन ऑफ द फेमस। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि बिपिन चंद्रा थोड़ी सी डिटेल है ना, आप चाहो तो बिपिन चंद्रा की जगह स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम इज अ वेरी गुड बुक, है ना। तो एमबीपीएससी के प्रस्पेक्टिव से स्पेक्ट्रम ज्यादा ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है तो बिपिन चंद्रा जो है वो आप पढ़ सकते हो, बट स्पेक्ट्रम इज द गुड, काफी अच्छी बुक है, ठीक है। उसके बाद इंडियन रेनेसेंस वगैरह सब कुछ आपको स्पेक्ट्रम या जो बिपिन चंद्रा में या एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक, अब रिपब्लिक के लिए मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट के लिए है, तो उसके लिए 12th क्लास का किताब आता है एनसीईआरटी का, इट्स इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस करके, या पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एमपी इंडिया ऐसा कुछ करके आता है, एक्जैक्टली मुझे नाम ध्यान नहीं है उस बुक का, ठीक है। तो वो 12th क्लास का एनसीईआरटी आता है पॉलिटिकल साइंस का, वो आप ले सकते हो। इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, ये तो आपको मध्य प्रदेश की जो किताबें आती हैं जैसे टीएमएच वगैरह है उसमें मिल जाएगा, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे याद रखना, प्लस के अंदर सब कुछ पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए बुक्स बता रहा हूं, ठीक है। मेजर इवेंट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, अब इसके लिए देखो क्या है, एक बुक आता है नेक्स्ट आईएएस का, एक पब्लिकेशन है नेक्स्ट आईएएस, तो उसकी किताबें इसके अंदर आती है, वो एक पतली सी किताब आती है, काफी महंगी है वो किताब, है ना, वो अगर ऐसा खरीदने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो इफ यू कैन अफोर्ड, है ना, नहीं तो अपन तो उसको पढ़ेंगे और नेट के ऊपर आपको कई सारा मिल जाता है। उसके अलावा इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, वो है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है ये शेखर कपूर का एक सीरीज है जिसके अंदर शेखर कपूर ने एबीपी न्यूज के ऊपर पूरा प्राइम मिनिस्टर वाइज उसने पूरा हिस्ट्री बताया है, वो आप जाके लेक्चर्स देख सकते हो, और उसका सेकंड सीजन भी आ गया है वैसे अभी, तो पहले वाला सीजन जो है मतलब पहले वाला जो था वो आप देख सकते हो, सेकंड वाला भी आप चाहो तो वहां पे देख सकते हो, अभी चल रहा है सेकंड वाला जिसमें कश्मीर और सब मुद्दों के ऊपर बात हो रही है, तो ये सब टॉपिक्स और ये सब बुक्स उसके अंदर यहां पे हो सकती है। यूनिट नंबर 4 बोलती है इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आजादी का आंदोलन, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, जब मैं आपको पढ़ाता हूं प्लस के अंदर तो वहां पे कंटेम्पररी स्टडी करवाता हूं कि भैया मध्य प्रदेश में ये चीजें हुई थी, है ना, तो सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट चल रहा था तो मध्य प्रदेश में ये हुआ, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये हुआ, सीडीएम का जब मूवमेंट हुआ तो कैसे नेहरू जी मध्य प्रदेश में आए और यहां के नेताओं को डांट लगाई कि क्यों आपके यहां पे 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 500 लोगों को गिरफ्तार करो, तो गिरफ्तार करने के टारगेट दिए जाते थे, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है। इंडियन कल्चर हेरिटेज विद स्पेशल रेफरेंस टू द मध्य प्रदेश, वेरी गुड, एंड मध्य प्रदेश के रेफरेंस है आपका भारत का पूरा कल्चर, इंडियन कल्चरल हेरिटेज, ओके। इसके लिए एक बुक आता है, बुक है एनसीईआरटी, अब अगर पढ़ना चाहे तो एनसीईआरटी 11th का है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ऑब्वियसली बात है एनसीईआरटी है तो ये बुक काफी अच्छा है। एक और बुक आता है उसका नाम है आपका नितिन सिंघानिया,
सो ये भी काफी अच्छा बुक है नितिन सिंघानिया का, जिसके अंदर उसने पूरा ये हिस्ट्री है पूरे काफी अच्छी से भी यहाँ पे बताया है, ठीक है। सो इंडियन कल्चरल हेरिटेज विद रेफरेंस टू द एमपी। अब एमपी स्पेसिफिक के लिए आप क्या कर सकते हो कि एमपी का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI है, उसकी वेबसाइट पे जाके थोड़ा सर्च मार सकते हो, उसके अंदर आपको कई सारे टॉपिक्स हैं, वो कई सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म लिटरेचर फेस्टिवल एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशियंट टू द मॉडर्न टाइम, पूरा आपका है ना, पूरा आपका क्या क्या हो गया यहाँ पे, कला फॉर्म, कला हो गई, लिटरेचर हो गया, साहित्य होगा, फेस्टिवल्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, तो ये एंशियंट से लेके मॉडर्न, मतलब पूरा आपका कल्चर अभी यहाँ पर इसके अंदर हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, नितिन संज्ञानिया के अंदर ये ऑलमोस्ट टॉपिक मिल जाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप अनअकैडमी के ऊपर आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है, नहीं है तो आपको लेना ही है पवन लाइव का यूज करके, ठीक है। ये सब टॉपिक जो है हम डिटेल के अंदर अभी यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको इतनी सारी किताबों खरीदने की जरूरत नहीं है, इतना सारा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वही पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ और उसको रिवाइज करना है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया एंड इन मध्य प्रदेश सॉरी एंड टूरिज्म, तो जो भी तीन वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनके बारे में आप विकिपीडिया पे जाओ, बेसिक डिटेल वहां से निकाल लो तीनों के बारे में। और मध्य प्रदेश में टूरिज्म है तो एमपी टूरिज्म की वेबसाइट पे कई सारी चीजें दी गई है, अगेन हम इसको काफी डिटेल में वैसे भी पढ़ते हैं, है ना, मैंने तो एमपी थ्रू डिस्ट्रिक्ट भी पढ़ाया है, तो वो प्लस के अंदर हम सब कुछ चीजें पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद यूनिट नंबर 5 डायनेस्टीज ऑफ द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो डायनेस्टीज है उसके अंदर आपकी गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर्स, सिंधियास, भोपाल स्टेट, है ना, तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द इंडिपेंडेंस की पूरा उनका हिस्ट्री, अगर आपको याद हो मेरे कुछ लेक्चर्स एमपी थ्रू डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर मैंने पूरा इनका हिस्ट्री बताया था। खैर, इसके लिए बुक मैं आपको बता देता हूँ, बुक तो इसके लिए स्पेसिफिक कोई आता नहीं है, है ना, इसके लिए, लेकिन फिर भी जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मोटी मोटी किताबें छाप रखी है एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न की, मध्य प्रदेश का एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, तो वो बुक आप खरीद सकते हो, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग इट क्योंकि वो बहुत मोटी मोटी बुक है और वो पढ़ने के चक्कर में काफी ज्यादा नुकसान आपका हो जाएगा, बहुत ही डिटेल बुक है तो उसकी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, वो हम लोग आपको लंबे आपको पढ़ के उसमें से सब चीजें वहां पर बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपको विकिपीडिया पर आप होलकर स्टेट डालोगे, सिंधिया स्टेट डालोगे, भोपाल स्टेट डालोगे, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक वेबसाइट है उसका नाम है इंडियन राजपूत, तो वहां पर आपको डिटेल मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, ऑब्वियस बात है कि एक राजपूत समाज की वेबसाइट है तो थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, बायस्ड हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन बेसिक चीजें आपको जो मोटी मोटी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको यहां पर इस इंडियन राजपूत वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। तो गोंडवाना, बुंदेली, बघेली वगैरह वगैरह जितने भी आपके जो स्टेट्स हुए हैं उन सभी स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे, और भोपाल स्टेट और ये सब डालोगे, सिंधिया स्टेट वगैरह, तो इजीली आपको इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। विथ इट्स ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मध्य प्रदेश, ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश के हिसाब से, मतलब अभी की जो मध्य प्रदेश है उसके ज्योग्राफी के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं, तो ये तो हमने काफी अच्छा पढ़ा है। और ये एक्चुअली लेक्चर बनाने का मैं सोच भी रहा था बीच में, लेकिन सोचा पता नहीं आप लोग इंटरेस्ट लेंगे नहीं, मतलब सिलेबस आने के पहले, तो अब तो आ ही चुका है, अब तो पढ़ना ही है। चलिए, दूसरा टॉपिक है इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके अंदर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और एडवांस टेक्निक्स इन द ज्योग्राफी। अब मुझे बताओ, ये पूरा जो सिलेबस हमने पहले देखा, नए और पुराने सिलेबस में एक रत्ती मात्र का अंतर है क्या? पूरा सिलेबस सेम है, बस एक चीज है कि वर्ल्ड हिस्ट्री इसके अंदर नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अलावा सभी टॉपिक्स इसके अंदर दिए गए हैं। चलिए, सो यूनिट 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी, मेजर फिजिकल फीचर्स आपके माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, तो सभी कॉन्टिनेंट्स के मेजर ज्योग्राफिकल फिनोमिना, अर्थ क्विक, सुनामी, वॉल्केनो, साइक्लोन, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, ओके। तो मेजर जो भी चीजें होती हैं, है ना, वर्ल्ड क्लाइमेट आपका पूरा क्लाइमेट सीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, क्लाइमेट रीजन, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब टॉपिक्स है, सो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसके लिए पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया गया है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने कुछ सीरीज बनाई है अनअकैडमी पे, फ्री लेक्चर्स पे, उनको जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा एक बुक आती है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, बाय माजिद हुसैन, वो बुक इससे आप पढ़ सकते हो, और क्योंकि जो NCERT है उसके अंदर बहुत ज्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात नहीं की गई है, तो माजिद हुसैन या फिर खुल्लर है, दोनों में से जो भी बुक आपको अच्छी लगे, जो भी ठीक लगे वो आप ले लेना, प्लस में तो हम पढ़ेंगे, जो लोग प्लस में नहीं पढ़ते हैं, जो खुद पढ़ते हैं उनके लिए मैं बुकों का रेफरेंस यहाँ पे दे रहा हूँ। तो माजिद का इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें काफी सारी चीजें दी गई है। उसके अलावा आपके जो एटलस होती है, एटलस में आप सर्च कर सकते हो, नेट पे आपको कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या कई सारी चीजें वहां पे मिल सकती है, थोड़ा सा नेट वगैरह सर्च करोगे तो काफी चीजें मिल जाएगी, है ना। उसके अलावा आपका जो एटलस लर्निंग है, तो एटलस लर्निंग से काफी सारी चीजें इसके अंदर हो जाएगी। ये वाला जो पार्ट है ज्योग्राफिकल फिनोमिना, ये आपको NCERT के अंदर 11th का जो NCERT है उसका जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है वहां पर ये
मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की ज्योग्राफी, मेजर फिजिकल फीचर माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, ठीक है। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ओरिजिन ऑफ मानसून एल नीनो, क्लाइमेट एंड सीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप्स एंड देयर यूसेज, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक एंड माइंस, है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी भारत के अंदर मिलते हैं, ठीक है। आपका पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन, मतलब पूरा सेंसस का डेटा, अर्बन पॉपुलेशन वगैरह, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ये सब टॉपिक पहले भी थे, नया कुछ नहीं है, ठीक है। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा, ये टॉपिक आप नेट पर भी सर्च करोगे ना तो आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा, एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, लेकिन काफी चीजें इसके अंदर अभी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके लिए ऑब्वियस बात है एनसीईआरटी रीडिंग आपको करना है, और एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए आपको बताऊं मैं तो स्ट्रिक्टली है ना, इफ यू आर फॉलोइंग मी और मेरी बात अगर मानते हो तो छठी से लेके बारहवीं तक का जो एनसीईआरटी है वो आपको करना ही करना है, एनी हाउ किसी भी कंडीशन में छठी से बारहवीं तक का जो एनसीईआरटी है यू हैव टू कंप्लीट इट। ये इसको गांठ मान लो कि ये एनसीईआरटी हमको पढ़ना ही पढ़ना है, इतना आपका जो नॉलेज लेवल है ना ज्योग्राफी का वो यहां से लेके यहां पहुंच जाएगा अगर आपने छठी से बारहवीं तक पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ ली। सच बोल रहा हूँ, बात याद रखना है ना, नहीं पढ़ा तो पछताओगे, जरूर पढ़ना, ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, फूड प्रोसेसिंग वगैरह, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। फिर इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका जो मासूद हुसैन है उसमें ये सब चीजें दी गई है, ठीक है। रिक्विजिट एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस फॉर द इंडस्ट्रीज, डिमांड सप्लाई वगैरह वगैरह, वो सब आपका जो ये इसका था फूड प्रोसेसिंग का, उसके कंटिन्यूएशन के अंदर यहाँ पर है फूड प्रोसेसिंग का। अब इसके लिए आप ये कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है उसकी वेबसाइट पर आप जाओगे तो कई सारी ई बुक्स वगैरह, कई सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, तो उनका यूज भी आप वहां पर कर सकते हो। यूनिट थ्री बोलती है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मेजर आपके जियोमार्फिक रीजन विद स्पेशल रेफरेंस टू नर्मदा वैली, मालवा प्लेटू, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, उसके अंदर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल आपके सॉइल फॉर्मेशन का, प्रॉब्लम्स ऑफ द सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन जो मध्य प्रदेश में है, प्रॉब्लम ऑफ मेथड ऑफ इट्स रिक्लेमिनेशन, सॉइल कंजर्वेशन प्लानिंग वगैरह वगैरह, मिनरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूसेज वगैरह, मतलब पूरा एमपी का ज्योग्राफी। अब इसके लिए किताब आती है, किताब का नाम है मध्य प्रदेश का भूगोल, है ना। अब राइटर का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पब्लिकेशन का नाम है आपका हिंदी ग्रंथ अकादमी, है ना, उसकी एक बुक आती है मध्य प्रदेश का भूगोल, तो उसके अंदर मध्य प्रदेश का पूरा भूगोल है वहां पे दिया गया है, है ना। अब ऑब्वियसली बात है यार कि एमपी स्पेसिफिक बुक है तो एमपी का ही पूरा दिया होगा, लेकिन एमपी के अलावा भी काफी सारी उसमें चीजें दी गई है, सो वो किताब आप पढ़ सकते हो, वो किताब बेस्ट है। उसके अलावा आपके जो दूसरी किताबें होती हैं जो जनरल स्टडीज की होती है, एमपी जीके की होती है, तो उनमें इतना डिटेल में वो चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये बुक आप जो है यहाँ पर परचेज कर सकते हो। उसके बाद आपका मेजर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, तो वो किताब थोड़ी सी पुरानी है, तो उसके अंदर वो किताब तकरीबन 2011 या 12 की है, उसके बाद वो नई किताब नहीं आया, तो वहां पर आप देख सकते हो कि 11-12 की अगर किताब है तो उसके लिए आप जो एमपी इंडस्ट्री, मतलब AKVN का वेबसाइट है, उस AKVN के वेबसाइट पे, या फिर आप मध्य प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, उद्योग विभाग है, उसकी वेबसाइट पे जाके काफी सारा जो डेटा है वो डेटा अभी यहाँ पर आप ले सकते हो, ठीक है। तो AKVN औद्योगिक केंद्र विकास निगम, हाँ ठीक है, ठीक है। ट्राइब्स ऑफ द स्टेट, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विद स्पेशल रेफरेंस टू द वल्नरेबल ट्राइब, जो वल्नरेबल ट्राइब है उसके रेफरेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 4, वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, तो ये टॉपिक तो ऑलरेडी हम 2019 के अंदर था, ड्रिंकिंग वाटर, सप्लाई फैक्टर ऑफ इंप्योरिटी ऑफ वाटर एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन, नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर, है ना, तो आपका पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड स्कोप ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेसिफिक हजार्ड मिटिगेशन वगैरह, कम्युनिटी प्लानिंग, रिसोर्स मैपिंग, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें हैं। अब ये जो है ये टॉपिक आपको, वैसे तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, 3 बार पढ़ा चुका हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको बुक बताता हूँ। अब नेट पर सर्च करना सीबीएसई डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, सीबीएसई डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी एक अलग बॉडी है, सीबीएसई जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो वो अपना खुद का एक अलग से पब्लिकेशन करता है, तो वो सीबीएसई वाले पब्लिकेशन में आपको ये चीजें वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट सर्च करना, शायद 8th से लेके 11th या 12th तक ऐसे कुछ बुक्स उसके आती है,
तो उसमें कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं सजेस्ट करूंगा 11th वाला बुक आप पढ़ लो, 11th या 12th का जो भी आता है दो तीन पार्ट वो पढ़ लो तो हो जाएगा। 8th 9th अगर आपको पढ़ना है तो बहुत बेसिक स्कूल वाली बच्चों की चीज दी है कि अगर भूकंप आ गया तो उसके नीचे घुस जाओ, आपके टेबल के नीचे घुस जाओ वगैरह वगैरह, वो सब चीजें उसके अंदर बेसिक बच्चों के हिसाब से दी है। 11th 12th का उसको आप पढ़ लोगे तो आई थिंक काफी सारी चीजें उसके अंदर इस सिलेबस के भी यहाँ पे हो जाएगी। उसके अलावा अपन तो पढ़ते ही है उसको, ठीक है। एडवांस टेक्निक इन द ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कंपोनेंट, टाइप ऑफ सैटेलाइट, एप्लीकेशन ऑफ द रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, देन जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द जीपीएस एंड एप्लीकेशन। अब ये सब जो चीजें हैं ये सब ऑलरेडी आपको नेट के ऊपर आप सर्च करोगे तो सब मिल जाएगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक वाइज बुक नहीं है, नेट पर सर्च करोगे तो काफी सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये बात हुई एमपीपीएससी मेन्स पेपर 1 की और उसके 2020 के सिलेबस की। अब अनअकैडमी पर प्लस के लिए आपको क्या करने का है, सिंपल सा मेरा कोड है पवन लाइव, इस पवन लाइव का यूज करना है। पवन लाइव का यूज करोगे तो आपको 10% जो प्लस सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट अभी यहां पे मिल जाएगा। सो गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन और ये सब जो टॉपिक्स हैं वो प्लस में मेरे साथ आप वहां पे पढ़ सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर जो आंसर राइटिंग वगैरह जो है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। थैंक यू।